नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि भारतीय रेलवे में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है, तो आपका ट्रेन में सफर करने का तरीका बदल जाएगा और प्रिंटेड टिकट भी आपको नहीं मिलेगा। तो रेलवे इतना बड़ा बदलाव क्यों कर रहा है, तो इन तमाम सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारी बातें डिटेल के साथ होंगी। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। और किसी भी सुझाव शिकायत के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे अब आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। देश भर में सभी रेल जोन से रेलवे में कई बदलाव करने की मांग की गई है। तो अगर ये लागू होता है तो आने वाले समय में टिकट प्रिंट होना बंद हो जाएगा। टिकट प्रिंट नहीं होने से स्टेशनों पर लंबी लंबी भीड़ों से छुटकारा मिलेगा और ट्रेनों के अंदर टिकट जाँच का जिम्मा RPF को दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ट्रेनों में RPF के जवान टिकट जांच करते मिलेंगे। रेलवे यात्रियों और रेलवे के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव करने की तैयारी कर रहा रेलवे। एयरपोर्ट जैसा यात्रियों को सुविधा देने की बात कही जा रही है। स्टेशन पर पहुंचने पर मशीन के जरिए बोर्डिंग पास की तर्ज पर रेल टिकट निकालने की सुविधा होगा। तो दोस्तों, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।